Hey guys and welcome back in my new video. This is Bumika and you are watching Learn French with Bumika. So today we are going to learn Class Six Chapter Number Eight. Chapter's name is La famille de Manuel. Okay, so what does La famille de Manuel means? This means the family of Manuel. Fine. So we'll see. So sell a photo de ma famille. That means this is a photo of my family. This is said by Manuel. Okay so we'll see the paragraph. mon grand-père mr. charles lavinia, la 77 ans, el pal quatre long. that means my grandfather' name is charles lavinia. that means his name is what? charles lavinia. whose grandfather's name is charles lavinia? his age is 77. He is 77 years old. And he speaks four languages. L means he. Pal means to speak. catra means four. And long means languages. Okay? L A adorable. That means he is good. Next is ma name sapel. Mrs. Francois Lavinia. That means my grandmother's name is Mrs. Francois Lavinia. Elle est 70 ans. She is 70 years old. Elle aim la music. That means she loves music. Elle est That means she is kind. Okay. Next, Moper Sapel Mr. Patrick Lavinia. Moper. Now, Moper means my father. So, my father's name is Mr. Patrick Lavinia. Il est 45 years old. He is 45 years old. Il aime le football. That means he loves football. Il est très intelligent. That means he is very intelligent. Ma mère s'appelle Mrs. Véronia Lavinia. That means my mother's name is Véronia Lavinia. Il cat 40 years old. Caronne, she is 40 years old. एल एम ले थिएटर दैट मीन्स शी लवस मूवीज और थियटर्स यू कैन से ले जोली दैट मीन्स शी इज ब्यूटिफुल ठीक है ना नेक्स्ट मोर फ्रेर नाउ वॉट इज फ्रेर गाइज फ्रेर का मतलब होता है ब्रदर सो माई ब्रदर्स नेम इजैनिसवीन्यो ठीक है मो फ्रेर सापेल धैनिस लाविन्यल ए सीज कितना होता है सिक्सटीन इयर्स ओल्ड इल एम ले रग बी इज वॉट इट्स अ गेम सो ही लवस टू प्ले और सी रग बी इले बो बो का मतलब क्या होता है हैंडसम ठीक है या ही इज गुड लुकिंग यू कैन से मा सर कैथरीन लाविनिया दैट मीन्स माई सिस्टर्स सर सर इज वॉट सर मीन्स सिस्टर ठीक है सो मेरी सिस्टर का नाम क्या है कैथरीन लाविन्यो हुइंग दिस मैन्यल इज सेंग दिस एल एट ओं एट इज सैड एंड फ्रेंचाइज विथ ओस विथ ओस ठीक है एल एम ल ग्लास ना वॉट इज ग्लास इट मीन्स आइसक्रीम ओके ग्लास का मतलब क्या होता है आइसक्रीम एल ए पतीत

मैनुअल्स ग्रैंड फादर राइट सो उनका एज कितना गिवन है सेवेंटी सेवन सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू सो यहाँ पर हमें क्या पूछा है द फादर ऑफ मैन्यूल्स फादर इज सिक्सटी सॉरी सेवेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड सो येस वी स्टडिड दैट सी यो पैरों कितने ईयर्स के हैं वो सेवेंटी सेवन ईयर्स के हैं तो so, ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा व्रे. ठीक है नेक्स्ट है ले फी चार्ल्स दैट मींस सन और यू कैन से सन सो द सन ऑफ चार्ल्स नाउ हु ग्रैंड फादर राइट चार्ल्स क्या है ग्रैंड फादर है है ना तो ग्रैंड फादर के बेटे को फुटबॉल पसंद है सो हु इज ग्रैंड फादर बेटा यर हु इज ही पेट्रिक राइट एंड वी स्टडीड यॉट डज पैट्रिक लाइक्स पैट्रिक लाइक्स फुटबॉल सो येस विल राइट दिस इज ऑल्सो व्रे अबव वन अव ऑल्सो व्रे ठीक है नेक्स्ट है ल ग्रो मेर द्रॉम दे मेर द दे Now the grand of Dennis. So, grandmother of ग्रदर ऑफन मदर ऑफ देखो कौन है Manuel का brother है you know this? Dennis कौन है, brother है, है ना? तो उसकी ग्रतल मतलब, की जो ग्रैंड मदर है वही मैन्युअल की ग्रैंड मदर हुई तो अभी हम देखते हैं मैन्युअल की ग्रैंड मदर को क्या पसंद है ग्रैंड मदर को म्यूजिक पसंद है नॉट थिएटर राइट सो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया ठीक है एल ए दैट मींस ओल्ड सो यस वी स्टडीड दैट द ग्रदर ग्रो मेरे

ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राइट तो कैथरीन का ब्रदर डेनिस भी हो सकता है और कैथरीन का ब्रदर मैन्यल भी हो सकता है सो यस, विल राइट ब्रे ठीक है सो व्हाट वाज दिस दिस वाज ब्रे। दिस इज व्रे दिस इज फो दिस इज़ ब्रे एंड दिस इज फो ठीक है तो आई होप आपको समझ आया होगा And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Till then, bye bye, and thanks for watching.